अरे पहले बच्चों को देख दो, बच्चों को देख दे एक बार। अरे भाई पीछे साइड 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 हो जाओ, ये हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए आए हैं। हम भी तो तुम्हारे लिए आए हैं। आप सब नौजवान भाई बहन अन्याय के विरोध में अहिंसा के मार्ग से जो यहाँ आंदोलन चला रहे हैं, मैं आप सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है, अन्याय अत्याचार के विरोध में अहिंसा के मार्ग से जितना हम कोशिश करेंगे आंदोलन के माध्यम से, उतना लोकतंत्र मजबूत होता है। और वो काम आप लोग कर रहे हैं। मुझे परसों महाराष्ट्र के रालेगंज सिद्ध में आपके तरफ से मैसेज मिल गया था। ये सिर्फ आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति ऐसे मैं मानते आया हूँ। ये युवा शक्ति अगर जाग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं इस समाज का, इस देश का। मैं एक 25 साल का युवक था, मेरे पास कुछ नहीं, एक सोने का बिस्तर है और खाने का प्लेट है, लेकिन एक युवक क्या नहीं कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है समाज के लिए, देश के लिए। तो जब मुझे पता चला तो मैं पंत प्रधान जी को पत्र लिखा, जावड़ेकर जी जो मंत्री है उनको भी पत्र लिखा और डिपार्टमेंट को भी लेटर लिखा। कल छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है, कल हम देखेंगे कि सरकार क्या निर्णय लेती है। अभी मेरे टूर चल रहे हैं पूरे देश में, उस टूर को देखते नहीं है, सरकार क्या निर्णय लेती है देखेंगे समझेंगे, इसके बाद आगे के लिए हम लोग क्या करना वो तय करेंगे। मेरी विनती आप सबके लिए एक ही है कि हिंसा मत करो। अगर हिंसा कर दिया तो सरकार आपका आंदोलन को तोड़ देगा। आपके साथ जो सलूक हुआ, जो बर्ताव हुआ है, ये सिर्फ आपके हानि नहीं है, पूरे देश के हानि है, ऐसे मैं मानता हूँ। क्योंकि तो आप में से कल के शासन प्रशासन चलाने वाले नव युवक आप में से खड़े होने वाले हैं, उसमें अगर कॉपी होती है और काबिल में ऐसे लोग सरकार में आते हैं तो क्या होगा समाज का और देश का, ऐसा प्रश्न मेरे सामने है। इसलिए मैंने जब ये पता किया और समझ लिया तो मैं पंत प्रधान जी को झट से लेटर लिखा और संबंधित मंत्री को भी लेटर लिखा। मेरी विनती है कि देश में जिनके साथ ऐसे बदसलूक हुआ है, जहाँ जहाँ कॉपी हुई है, आप, मैं ऐसे मानता हूँ कि देश में हर सेंट्रल से और शॉप पर आपका संबंध आया होगा, उसकी पूरी जानकारी निकालो। देश में कहाँ कहाँ ऐसे हुआ है और कहाँ कहाँ ये आंदोलन चल रहे हैं, इसके साथ जानकारी निकालो। आगे के लिए हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार ने स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन अगर चलाना है तो ये काफी इतना महत्वपूर्ण परीक्षा, जो देश की परीक्षा देश में चल रही है, उसमें कॉपी होता तो क्या शिस्त है, क्या डिसिप्लिन है आपका, प्रश्न खड़ा हो जाता है। इससे देश के बड़े बड़े बहुत बड़ी हानि होगी। और इसमें मुझे लगता है कि करप्शन का हिस्सा है। कॉपी क्यों होती है? कॉपी होती है जो पेपर चल रहा है और वो पेपर के सब जानकारी बाहर निकलती है, वो एक कागज नहीं लेकर जा सकता अंदर, ऐसे समय पर ये जानकारी बाहर आती कैसे? इसकी जांच सरकार ने, ये सिर्फ कोई अधिकारी नियुक्त किया ऐसे नहीं, इसकी सीधा ही जांच होनी चाहिए। सीधा ही जांच करके इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात है, आगे ना हो ऐसे, आगे ना हो ये जो परीक्षा
पेपर फूटता है, ऐसे ना हो इसलिए सिस्टम को बदलना है, व्यवस्था को बदलना है। ये सिर्फ एक पेपर फूट गया तो उस पर एक्शन ले लिया, इससे ये काम नहीं होगा। सिस्टम को बदलना पड़ेगा, व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। कई सालों से ये जो होते आ रहे हैं और सरकार नींद में है तो ये है। हमारे पंत प्रधान जी भी बोलते हैं युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है, युवा शक्ति हमारा आशा स्थान है, और इस युवकों के साथ ऐसे सलूक होता है, ऐसे बर्ताव होता है। तो मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, मेरा आगे के लिए प्रोग्राम है, आज छुट्टी है, उसके बाद हम फिर संपर्क में रहेंगे। मैं कोई नेता नहीं है, मैं मुझे आपसे कोई लेना नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। मेरा जीवन, पूरा जीवन 25 साल की उम्र में तय किया था कि जब तक मैं जीऊँगा समाज और देश की सेवा करूँगा, और जिस दिन मैं मरूँगा तो समाज और देश की सेवा करते करते मरूँगा। ये मैंने व्रत लिया, मुझे सदना होती है, कोई स्वार्थ नहीं। मैं तो मेरे लाइफ में मेरा बैंक अकाउंट जितना कहाँ रहता है पता नहीं, क्या हासिल करना। सिर्फ ये मैंने तय किया कि जब तक मैं जीऊँगा तो समाज और देश की सेवा। तो आप नवयुवक हमारा आशा स्थान है, बड़े आशा से मैं देखता हूँ, कॉलेज कॉलेज में जाता हूँ, युवकों को जगाते रहता हूँ कि कल के समाज के लिए, देश के लिए उज्ज्वल भविष्य कैसे मिले। तो मैं ज़्यादा ना कहते हैं, फिर से एक बार आपको मैं कोई लीडर नहीं तो आपको आश्वासन दे, लेकिन मैं प्रयास करते रहूँगा। और इस सिस्टम को, व्यवस्था को कैसे बदले, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।